सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है एसके, आप देख रहे हैं रोड राइडर्स ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दो दिन पहले दोस्तों रॉयल इनफील्ड की एक और बाइक जो है स्पॉट की गई है। इससे पहले मिटियोर जो है बाइक है रॉयल इनफील्ड की वो स्पॉट की गई थी और अभी जो है रॉयल इनफील्ड की नई जो बाइक है 650cc की वो स्पॉट की गई है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो बाइक है इसका थोड़ा भी एनालिसिस हम लोग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस इस बाइक में हमें मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक में जो है अपसाइड डाउन फोक्स दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे पहली बाइक है रॉयल इनफील्ड की जिसमें अपसाइड डाउन फोक मिलेगा आपको और इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से तो ABS अभी मैंडेटरी है, तो ABS आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल आपको नजर आ रहा होगा, वो मे बी लिक्विड कूल है, मे बी ऑयल कूल है। इंटरसेप्टर में दिया गया है ऑयल कूलिंग के लिए रेडिएटर, तो ये बस ऑयल कूलिंग के लिए रेडिएटर प्रोवाइड किया गया है। इंजन जो है ज़्यादा एफिशिएंट होगा भी और जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंजन है वो पैरेलल ट्विन इंजन है, जैसा कि आपको रॉयल इनफील्ड के इंटरसेप्टर में आपको देखने को मिलता है। तो वही आपको सेम फीचर का इंजन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि रॉयल इनफील्ड का जो इंटरसेप्टर का इंजन है वो उसका जो टॉप स्पीड है वो करीब 170 के आसपास है। जो पावर फिगर है रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर का वो है 47 BHP का और जो टॉर्क है वो है 52 Nm का। तो सेम फीचर ऑलमोस्ट आपको इसमें भी पावर फिगर देखने को मिलेगा। तो ये बाइक लॉन्च कब होगा इसके बारे में जो है अभी खबर यही है कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक जो है ये बाइक आपको मिल जाएगा, करीब अगस्त तक नेक्स्ट ईयर के 2021 के। और इस ईयर जो है आपको मिटियोर देखने को मिलेगा जो कि 350cc का बाइक है और रॉयल इनफील्ड अपने नए इंजन के साथ वो बाइक को प्रोड्यूस कर रही है। तो उसी के हिसाब से तो पिछला जो इंटरसेप्टर का इंजन है हमारा तो सेम टू सेम उसी का जो फिगर्स है इसमें भी मे बी देखने को मिल सकता है। तो बाकी बाइक का देख लेते हैं लुक कैसा है। तो आप देख सकते हैं जो पेग्स है वो थोड़े फ्रंट सेट किए गए हैं जैसे कि आपको थंडरबर्ड में देखने को मिलता है, लेकिन थंडरबर्ड से भी थोड़े और आगे आपको जैसा कि आपको एवेंजर में देखने को मिलता है करीब करीब उस टाइप का आपको यहाँ पे जो फुट पेग्स है वो आपको सेट किया गया है। और जो साइलेंसर है आप देख सकते हैं शॉर्ट है और वाइड टाइप वाइड थोड़ा साइलेंसर है यहाँ पे। और जो डिज़ाइन है बाइक का वो बहुत हद तक हार्ले डेविडसन 883 जैसा आपको नज़र आ सकता है यहाँ पे। और जो हैंडल बार से वो ना बहुत ज़्यादा अपराइट है ना ज़्यादा बहुत लो है। और जो टायर से आप देख सकते हैं टायर जो रियर टायर है वो थोड़ा वाइड दिया गया है एलॉय व्हील्स के साथ है। पीछे से अगर देखा जाए तो इसका जो लाइट है वो आप देख सकते हैं छोटा सा राउंडेड सा लाइट दिया गया है, रेट्रो लुक बिल्कुल, और राउंडेड आपको जो इंडिकेटर्स है वो भी देखने को मिलता है। तो बाइक ओवरऑल रेट्रो में जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है उसके साथ लैस है बाइक और जो राइडिंग पॉस्चर है वो भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट लग रहा है जो इसके कारण जो पिलियन है उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यहाँ पे फील हो सकता है। और जो ग्रैब रेल है वो यहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, मे बी आने वाले वर्जन्स में हो सकता है आपको ग्रैब रेल दिया जाए। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग होने वाली है करीब करीब अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है अराउंड 3 से 4 लाख के बीच जो है इसका प्राइसिंग मे बी लाई करेगा। अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है लेकिन जो प्राइसेस है वो आपको इसी आसपास देखने को मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि आपको यहाँ पर ट्विन सिलेंडर इंजन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है रॉयल इनफील्ड के द्वारा और रॉयल इनफील्ड का जो सर्विस नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड है और जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज देता है दूसरे बाइक्स के मुकाबले। और जो रिलायबिलिटी की हम हमेशा बात करते हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में वो कहीं ना कहीं इस बाइक में थोड़ा भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। यही था आपका एक छोटा सा अपडेट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो दिस इज़ मी SK साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।